हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आप लोगों का फिर से वेलकम है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजास्टर। डिजास्टर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर नर्सिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम आता है, एमएससी नर्सिंग का हो, बीएससी नर्सिंग का हो या जीएनएम का हो, उसमें डिजास्टर के ऊपर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे डिजास्टर को ये हिंदी में क्या कहते हैं। तो आपदा, विपत्ति, मुसीबत, ठीक है, या आपदा आ जाए, विपत्ति आ जाए, मुसीबत आ जाए, ये सारी ही चीज़ें डिजास्टर कहलाती हैं। अब हम अच्छे से समझेंगे कि डिजास्टर होता क्या है, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आज की वीडियो में डिफाइन डिजास्टर, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, फेजेस ऑफ डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल पूरा हम देखेंगे। ओके, डिफाइन डिजास्टर। डिजास्टर इज अ सडन कैलामिटस इवेंट्स दैट सीरियसली डिस्टर्ब द फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी, सोसाइटी, मटेरियल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल लूजेस। तो डिजास्टर क्या है? एक सडन, अचानक से आने वाला कैलामिटस इवेंट्स, मतलब जो ऐसा इवेंट जो कि नुकसान करता है और जो क्या करता है, सीरियसली डिस्टर्ब कर देता है। डिस्टर्ब कर देता है किन चीज़ों को? कौन सी फंक्शनिंग को? जो कम्युनिटी में, सोसाइटी में किसी प्रकार की जो भी फंक्शनिंग चल रही है, जो भी क्रियाकलाप चल रहा है, उन सबको डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। जिससे मटेरियल का, इकोनॉमिक का, इन्वायरमेंटल का, मटेरियल का भी, इकोनॉमिक का भी और इन्वायरमेंट का भी, पैसों का भी नुकसान होता है, आस पास के इन्वायरमेंटल का, हर एक तरीके का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो डिजास्टर एक सडन कैलामिटस इवेंट्स होता है जो फंक्शनिंग, कम्युनिटी और सोसाइटी की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे डिजास्टर ऑफन कॉज्ड बाय नेचर, बट डिजास्टर कैन हैव ह्यूमन ओरिजिन ऑल्सो। इसका मतलब यह है कि डिजास्टर जो है वो नेचुरल तो होता ही है, मतलब प्राकृतिक रूप से तो हो ही जाता है कभी कभी, लेकिन कई बार क्या होता है कि ह्यूमन्स यानी हम जो इंसान हैं, हम लोगों के द्वारा जब कोई चीज बनाई जाती है उससे भी डिजास्टर देखने में आते हैं। तो नेचुरल भी होता है और साथ साथ में ह्यूमंस के द्वारा भी डिजास्टर इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है, जिससे कम्युनिटी और सोसाइटी सब की सब क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, इकोनॉमिक का भी काफी नुकसान होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजास्टर। फिर डिजास्टर के कितने टाइप्स होते हैं? डिजास्टर के टाइप्स भी टू होते हैं। फर्स्ट टाइप्स होता है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर, जिसके बारे में हम पहले भी मैं आपको बताया है कि जो प्राकृतिक के द्वारा अचानक से कभी भी आ जाते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है, भूकंप आ जाते हैं। सबसे बड़ा अर्थक्वेक जो हमने इंडिया में देखा है वो गुजरात में देखा था 2001 में, जब हम लोग छोटे ही थे तब तो पता चला था कि गुजरात में अर्थक्वेक आया था 2000। टाइप्स ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर मेनली टू टाइप के होते हैं, जो मैं आपको पहले ही बताया था कि पहला टाइप होता है नेचुरल डिजास्टर। जो नेचुरल डिजास्टर मतलब जो प्राकृतिक के द्वारा कभी भी आ सकता है, जिसकी कोई कुछ नहीं पता होता है कि वो कब हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थक्वेक्स है, अर्थक्वेक्स आते हैं जगह जगह, सुनने को न्यूज़ मिलती हैं कि इस कंट्री में अर्थक्वेक आ गया है, यहाँ पर अर्थक्वेक आ गया है। और गुजरात में 2001 में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिससे इकोनॉमी का, इन्वायरमेंट का, सोसाइटी, कम्युनिटी, हर एक तरह की जो फंक्शनिंग थी काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी और इंडिया में काफ़ी नुकसान भी हुआ था, ठीक है। फिर सुनामी, 2004 में सुनामी सुनने में आया था, जिसके कारण भी बहुत सा नुकसान हुआ था बहुत लोगों का। और फिर दोट्स फेमिन्स भी हो जाते हैं। फेमिन्स मतलब जो अकाल अकाल पड़ जाए या किसी प्रकार का भुखमरी पड़ जाए, ठीक है, किसी भी एरिया में। और फायर्स के का फायर्स भी डिजास्टर्स में आते हैं। फायर्स मतलब आग लग जाना, जैसे फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाती है, ग्रास फायर, घास में आग लग जाती है, हिल्स फायर, जो हिल्स वाले एरिया होते हैं, जो पर्वत और माउंटेन वगैरह होते हैं वहाँ पे, क्योंकि तेज़ धूप पड़ती है तो इसके कारण जो वहाँ के जो भी एरियाज होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, उन सब में क्या है, बहुत आग लग जाती है और उस आग को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वेजिटेबल्स फायर्स, सब्जियों में भी जो वेजिटेबल्स होती हैं,
या किसी प्रकार की जो फसल होती है उन सब में भी आग लग जाती है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे टाइप्स ऑफ डिजास्टर हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, जो सेकंड टाइप आता है हमारा, वो आता है मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर मतलब है जो कि इंसानों के द्वारा ही बनाया, कुछ कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उसके कारण, और उसके कारण क्या होता है, सोसाइटी या कम्युनिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। जैसे केमिकल वेपन्स हो जाता है, रेडिएशन इमरजेंसीज, वायर, सिविल कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, पेंडेमिक्स एंड डिजीज। और ये कोविड के टाइम में भी बहुत सी चीज़ें थी, ये सब चीज़ें हमें देखने में आई थी कि किसी तरह का वायरस बन जाना, तो अपने कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइंटिस्ट और उसके द्वारा कुछ इस तरह की चीज़ें बन जाने, जिसके कारण कम्युनिटी और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो इंसानों के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं और उसके कारण जो डिजास्टर आता है, वो मैन मेड डिजास्टर कहलाता है। डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, डिजास्टर तो चलो आ गया है, नेचुरल डिजास्टर हो गया या मैन मेड डिजास्टर हो गया है, तो फेजेस ऑफ डिजास्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्री इम्पैक्ट फेज, जो भी डिजास्टर आ गया है उसको हम तीन फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, प्री इम्पैक्ट फेज, इम्पैक्ट फेज और पोस्ट इम्पैक्ट फेज। प्री इम्पैक्ट फेज, इम्पैक्ट फेज एंड पोस्ट इम्पैक्ट फेज को हम पूरा का पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में अच्छे से समझ जाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, अब बहुत ही सिंपल तरीके से हम डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल को समझेंगे। जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक सर्किल बना हुआ है, ठीक है, और इस सर्किल को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सर्किल क्या कहना चाहता है और डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल कैसे ये पूरा कवर करता है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, इसको देखना स्टार्ट करेंगे प्री इम्पैक्ट फेस, ठीक है, प्री इम्पैक्ट फेस से देखना स्टार्ट करेंगे। प्रिपरेशन यानी सपोज करो कि किसी भी एरिया में अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया है और उसके बाद हमें पता, हमें रिएक्टर के थ्रू ये पता चल जा रहा है कि इस एरिया में, इतने एरिया में अर्थक्वेक आ गया है, लेकिन आगे भी इस एरिया में अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है, ये चीज़ हमें पता लग गई है। तो उस चीज़ के लिए क्या बनाया जाता है, प्री इम्पैक्ट एरिया जो है, इम्पैक्ट फेज होता है, प्रिपरेशन की जाती है कि अगर इस एरिया में भी ये चीज़ हो जाती है तो किस तरह से रिकवर की जाए। फिर डिजास्टर रिस्पॉन्सेस, अब ये जो एरिया है वो वाला एरिया है जहाँ पर कि डिजास्टर हो चुका है, ठीक है, या वो किसी भी तरह का डिजास्टर हो। मैं सिंपल आपको एक अर्थक्वेक का एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये एक इमरजेंसी वाला एरिया है, ठीक। इसमें क्या है, जो भी चीज़ें हुई हैं, जो किसी भी प्रकार का जो लॉस हुआ है इकोनॉमिकली, या किसी को कुछ भी चोट वगैरह कुछ भी लगा है, तो उन सारी चीज़ों को क्या करना है, हैंडल करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा काम होता है। फिर क्या होगा, रिकवरी फेज होगा। अब हमने क्या है, उन चीज़ों को ठीक तो कर दिया है जितना हमारे हमसे हो सकता था, ठीक है, वो ठीक हो गया, तो रिकवरी फेज। अब इसके बाद जो आता है वो कैपेसिटी बिल्डिंग वाला फेज आता है, जिसको मिटिगेशन बोलते हैं। मिटिगेशन का मतलब ये है, जो मैंने प्री इम्पैक्ट फेज आपको बताया था, इसी मिटिगेशन वाले फेज में हमें ये समझना होता है कि अगर प्री इम्पैक्ट फेज में आने से पहले हमें क्या है, अपने आप को स्टेबल करना है, किस चीज़ के लिए, ताकि जितना हो सके हम, जितनी चीज़ों पे हमने रिकवरी कर ली है वो तो ठीक है, लेकिन अब हम ज़्यादा रिकवरी कर सकें, ठीक है, ज़्यादा लोगों को बचा सकें, ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें, ठीक है। ये सब चीज़ों का मिटिगेशन वाले, कैपेसिटी बिल्डिंग वाले चीज़ में देखा जाता है। सपोज करो कि अर्थक्वेक आ गया है, तो अर्थक्वेक से बचने के लिए उस एरिया में जितने लोग फंसे हुए हैं, तो उस एरिया से उन लोगों को निकालने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, कितने लोगों की हमें ज़रूरत है, ठीक है, कितनी फोर्स को बुलाया जाए, कितनी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध कराई जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मिटिगेशन वाले फेज में देखने को मिलती है। तो फिर इसके बाद हमारा प्री इम्पैक्ट फेज आ जाएगा, फिर हमारा रिस्पॉन्स फेज आ जाएगा, और फिर हमारा रिकवरी फेज आ जाएगा। क्लियर है? इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, डिजास्टर प्रिपरेशन या प्रीपेडनेस, या डिजास्टर रिस्पॉन्सेस, और थर्ड वाला है डिजास्टर रिकवरी। रिस्पॉन्सेज ना होके ये रिकवरी है, ठीक है, डिजास्टर रिकवरी फेज, और फिर हमारा आता है डिजास्टर मिटिगेशन, ठीक है। इस तरह से
पूरा का पूरा जो डिजास्टर है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो नेक्स्ट वीडियो में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं डिजास्टर से रिलेटेड, और नर्स का क्या रोल होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में, ये सब कंप्लीट एक वीडियो नेक्स्ट अपनी आने वाली वीडियो में शेयर करूंगी। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।